हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है टेकविला में। मैं हूं आपका दोस्त एंड रिक्रूटर शशांक। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हाउ टू यूज एमएस वर्ड ऐप इन मोबाइल। तो भाई मोबाइल के अंदर में अगर आप चाहते हैं एमएस वर्ड ऐप को यूज़ करना, तो वैसे तो कंप्यूटर में इस ऐप को लोग ने बहुत यूज़ किया है इस एप्लीकेशन को, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाई ये जो है ऐप का भी आ चुका है, इसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के लिंक आपको वहाँ पर है, वहाँ से आप वीडियो इसको डाउनलोड कर लीजिए। भाई इसके बाद में ऐप को जब आप ओपन करते हैं, तो सबसे पहले तो आपको उसमें साइनअप करना पड़ता है। साइनअप करने के लिए आपको अपनी ईमेल आईडी डालना पड़ता है, और ईमेल आईडी जो आपने मोबाइल में डाली अगर उससे करते हैं, तो डायरेक्ट वो आपको एक वेरिफिकेशन लिंक भेजता है। उस वेरिफिकेशन लिंक को आप जो है ओपन कर लीजिए। तो इस तरह से आप जो इसमें साइनअप कर लीजिए। करने के बाद में जब आप ओपन करते हैं, तो यहाँ पर खाली लिस्ट रहती है, कोई भी लिस्ट नहीं मिलेगी आपको। वहाँ पर आपको सबसे पहले जो है एक प्लस वाला बटन है ना, तो यहाँ पर आपको अगर आप खुद से कोई एम एस वर्ड फाइल यहाँ बनाना चाहते हैं, तो ये प्लस के साइन के सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पे उसको सिलेक्ट कर लीजिए जो भी आपको बनाना है ना। कोई भी एक ले लीजिए, टेक नोट ले लीजिए। तो अगर आप एक नोट क्रिएट करना चाहते हैं, तो वो भी आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा बहुत से और दूसरे भी ऑप्शन है, उसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो भाई यहाँ पर सीधा सिंपल है, यहाँ पर जो भी आप लिखना चाहते हैं उसको आप लिखना शुरू कर दीजिए सीधे सीधे। और सारे फीचर लगभग जो फीचर्स वहाँ पे थे, वो सारे फीचर्स यहाँ पे भी आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे ऊपर राइट वाला जो टिक है, अगर आपका डॉक्यूमेंट जब लिखने के बाद पूरा रेडी हो जाता है, तो आप उसको राइट पे क्लिक कर दीजिए, तो वो आपका डॉक्यूमेंट जो है सेव हो जाएगा। अब आप चाहते हैं कि यहाँ पर लिखना चाहते हैं, तो ऊपर एडिट का ऑप्शन है। एडिट के ऑप्शन पर जैसे क्लिक करेंगे, तो और भी दूसरे ऑप्शन है, जिसमें सर्च का ऑप्शन है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आपका ये एक मोबाइल व्यू का ऑप्शन है, जिसमें मोबाइल व्यू बन जाता है, आपको बार बार जूम नहीं करना पड़ता है, ठीक है। और ये पीछे एक बैक वाला ऑप्शन है, जैसे हम वहाँ कंट्रोल सेट करते हैं, तो यहाँ पे हम इस तरह से इसको करके पुराना जो भी गलती की हुई है वो हटा सकते हैं, या जो वहाँ से मिट गया है वो वापस ला सकते हैं, है ना। तो इस तरह से आप जो है कर सकते हैं। अब आता है ऑप्शन इसको सेव करने का। तो सेव करने के लिए मैंने आपको बता दिया, राइट टिक पे आपको क्लिक करना है, तो वो डॉक्यूमेंट सेव हो जाता है। अब हम इससे बाहर चले आते हैं, और मैं आपको बताता हूँ इसके अलावा और भी बहुत सारे इसके यूज़ हैं जो अपन कंप्यूटर में करते हैं। अगर आप चाहते हैं कोई पहले से फाइल बनी हुई है उसको आप ओपन करना चाहते हैं, तो नीचे देखेंगे राइट हैंड साइड में ओपन का बटन बना हुआ है, ओपन के बटन पर क्लिक कर दीजिए। करने के बाद में आपको कहाँ से वो फाइल उठानी है, वो फाइल आप वहाँ से उठा लीजिए, है ना। जैसे अगर ब्राउज़र से उठानी है, तो ब्राउज़र पर डाल के वो फाइल सर्च कर सकते हो, है ना। जिस डिवाइस के अंदर में, तो डिवाइस से डायरेक्ट क्लिक करो, और जिस जगह पे वो फोल्डर में डला हुआ है, जैसे अब डॉक्यूमेंट है मेरा कुछ डला हुआ है, रिज्यूमे डला हुआ है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, है ना। तो सीधे सीधे आपने वहाँ से उठा लिया डॉक्यूमेंट। आप जैसे किसी और ने आपको रिज्यूमे भेजा हो, आपने ओपन कर लिया वहाँ से। करने के बाद आपने अपना नाम सारी कुछ अपनी चीज़ें यहाँ पर चेंजेस कर दी, और करने के बाद में आप उसको नए नाम से, जैसे सपोज़ हमने चेंजेस कर लिए, और यहाँ पर ऊपर ऑप्शन आता है थ्री डॉट है, उस पर क्लिक करिए। करने के बाद में यहाँ पे सेव का ऑप्शन है, और सेव एस का ऑप्शन भी दिया गया है, तो सेव एस के ऑप्शन पे क्लिक करिए। अपना नाम डाल दीजिए जो भी आप यहाँ पर डालना चाहते हैं, जैसे डॉक्टर आकाश का था रिज्यूम में, हमने एडिट करके डॉक्टर शशांक कर दिया, है ना। ये अब मैंने अपना रिज्यूम बना लिया और सेव कर दिया, तो अब ये मेरे नाम से रिज्यूम सेव हो जाएगा। और इसको जो भी है एडिट करना है, जो भी करना है बाद में फ्यूचर में आपको जहाँ भेजना है, तो वो आपके मोबाइल में सेव हो गया, वहाँ से आप इसको डायरेक्ट उठा के भेज सकते हैं। तो भाई ये था एक तरीका। और इसी के अंदर में अगर आपको टेबल वगैरह इंसर्ट करना है ना, कोई भी चीज़ें अगर इसके अंदर में इंसर्ट करना चाहते हैं, तो पहले तो एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। करने के बाद में यहाँ पे देखेंगे सबसे नीचे राइट हैंड साइड में, नीचे साइड में ये थ्री एक एरो बना हुआ है, एरो पर क्लिक कर दीजिए। करने के बाद ये होम बना हुआ है, होम पर क्लिक कर दीजिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इंसर्ट का ऑप्शन आ गया, ड्रॉ का ऑप्शन आ गया, लेआउट का आ गया। तो अगर आप टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं, तो इंसर्ट पे क्लिक कर दीजिए, बाद में टेबल पे क्लिक कर दीजिए, तो आपका एक टेबल वहाँ पे क्रिएट हो गया। अब इसके बाद में इसके अंदर में आप अगर कुछ एकाध रो हटाना चाहते हैं, या एक रो लगाना चाहते हैं, है ना, तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपका हो गया। अब यहाँ पे आप इसके टेबल की रो हटाना चाहते हैं, तो नीचे देखेंगे सेकेंड ऑप्शन, एक रो बढ़ाने का ऑप्शन है और एक रो घटाने का ऑप्शन है। घटाने वाले ऑप्शन में क्रॉस बना हुआ है, बढ़ाने वाले ऑप्शन में ब्लू कलर की रो और ब्लू कलर का कॉलम बना हुआ है। तो घटाने के लिए हमने क्लिक किया, और डिलीट रो पे हमें या रो घटाना है, कॉलम हटाना है। अगर रो हटाना है तो हम रो पे क्लिक कर देंगे, तो एक रो वहाँ से गायब हो जाएगी। इस तरह से आपको जो है इसको यूज़ करना है।
तो बहुत इजी तरीका है और सिंपल है। और भी दूसरे ऑप्शन आपको अगर यूज़ करना है तो कॉर्नर वाला ये नीचे वाला ऑप्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और होम के ऊपर क्लिक करिए। इसके अंदर हमें सारे ऑप्शन दिए हैं जो आपके लिए लैपटॉप में जब आप यूज़ करते हैं तब देते हैं। तो इस तरह से इसको एक एक करके बारी बारी से यूज़ करिए। कोई फॉन्ट का साइज़ कम ज़्यादा करना है तो यहाँ पर आपके फॉन्ट के साइज़ के लिए ऑप्शन दिए गए हैं, हाईलाइट करना है, कलर करना है, सारा कुछ यहाँ पर दिया गया है ना। उसको आप बस सिलेक्ट कर लीजिए, वहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ से आप उसको डायरेक्ट एडिट कर दीजिए। तो इस तरह से दोस्तों इस ऐप को यूज़ करिए। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे वीडियो के नीचे कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, बने रहिए टेक विला में, स्टे रहो।